नमस्कार। कल जोधपुर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में परंपरागत वेशभूषाओं में देवासी समाज के, रायका समाज के लोग एकजुट हुए और सभी की जुबान पर एक ही नारा था कि रायका बाग हमारा है। जी हाँ, जोधपुर जिला मुख्यालय का एक रेलवे स्टेशन जिसका कि अब नाम बदल दिया गया है, सालों से उसे रायका बाग के नाम से जानते थे, अभी उसका नाम बदलकर राय का बाग कर दिया है। राय और का के बीच दूरी आ गई है। उसी दूरी को मिटाने के लिए, उसी दूरी को हटाने के लिए कल का ये पूरा का पूरा आक्रोश, पूरा का पूरा आंदोलन था। हालांकि अब इसमें अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सचिन पायलट ने क्या लिखा है वो बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये नाम के बदलाव की कहानी है, ये कहानी ऐतिहासिक परिदृश्य से भी निकल कर आती है। उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज देवासी समाज ये आग्रह करता दिखाई दे रहा है कि जो ऐतिहासिक स्वरूप चला आ रहा है उसको उसी तरह से रहने दिया जाए। यह हमारी मान सम्मान, हमारे अभिमान का विषय है, इससे खिलवाड़ ना किया जाए। तो जो नाम सदा से चलता आया रायका बाग, अब उसे राय का बाग करने पर एक आपत्ति बड़े ही प्रबल तरीके से कल जोधपुर में देखी गई। और जो इसके पीछे की कहानी बताई जाती है, आसू जी रायका का जिक्र होता है और कहा जाता है कि वो जब राजतंत्र का एक दौर था, उस वक्त आसू जी रायका ऊँटों का इलाज करते हैं, बड़ी संख्या में ऊँटों को मरने से बचाते हैं, उनसे खुश होकर उन्हें एक गांव दिया जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग और कहानियों का दौर चलता है, किस प्रकार से रानी उनको अपना धर्म भाई बनाती है, उनको उपहार स्वरूप वो बाग पुनः भेंट किया जाता है, फिर उसको और विकसित किया जाता है, मगर उसका नाम रायका बाग ही रहता है। और फिर बाद में जब चीज़ें बदलती हैं, वहाँ पर चीज़ें रेलवे और इन तमाम उपकरणों से, संसाधनों से जुड़ती हुई दिखाई देती है, तो फिर उस रेलवे स्टेशन का नाम भी रायका बाग रेलवे स्टेशन रखा जाता है। मगर अभी हाल ही में वो नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, जैसा कि मैंने बताया कि रायका में राय और का दोनों को दूर कर दिया गया, उसी दूरी को मिटाने के लिए कल बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकजुट थे और परंपरागत वेशभूषाओं में ये तमाम लोग ये मांग कर रहे थे कि इस नाम को पुनः पहले की तरह यथावत कर दिया जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये आग्रह मिला है कि आगे आने वाले 15 दिनों में इस पूरे के पूरे विषय पर कोई एक उचित समाधान निकाल दिया जाएगा। मगर इस बीच राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस पूरे पूरे वर्ग की मांग के साथ खड़े दिखाई देते हैं और वो एक पत्र के माध्यम से आग्रह करते नजर आते हैं कि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, उसे भावात्मक स्वरूप में ही देखा जाना चाहिए और उस नाम को पहले की तरह यथावत रख देना चाहिए। तो कल ये जो जोधपुर का एक पूरा पूरा प्रकरण निकल कर आया, जिसमें कि मांग ऐतिहासिक परिदृश्य से जुड़ी हुई थी, नाम वर्तमान के कुछ नामों को बदलने के लिए पूरा पूरा ये आंदोलन चला था, स्वरूप परंपरागत वेशभूषाओं में अटा और बिल्कुल उससे रंगा हुआ दिखाई दे रहा था और तमाम जुबानों पर सिर्फ एक नारा था कि रायका बाग हमारा है। अब इस रायका बाग हमारा होने की आगे की कड़ियों में क्या क्या दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे विषय पर हमारा भी ध्यान रहेगा, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।